सम ज्यामिति में अपन पढ़ रहे थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित क्वेश्चन। तो इसमें आज अपन क्वेश्चन लेते हैं कि आपके पास चार बिंदु है, तो उन चार बिंदु से वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज बनता है, ये सिद्ध करना है। तो आपको सबसे पहले कोई आकृति चतुर्भुज की ए बी सी डी, इसमें ये सब पॉइंट रख देते हैं। सबसे पहले अपने को भुजा ए बी बी सी सी डी ए डी ज्ञात करनी है, फिर उसके विकिरण बीडी ज्ञात करें, एक के कोऑर्डिनेट दो और माइनस एक, बी के कोऑर्डिनेट तीन और चार। तो यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, एक्स टू की वैल्यू तीन, एक्स वन की वैल्यू दो, वाई टू की वैल्यू चार, वाई वन की वैल्यू माइनस और यह माइनस प्लस। अब सॉल्व करेंगे, तीन में से दो गया तो एक, चार एक पांच, एक का स्क्वायर एक, पांच का स्क्वायर पच्चीस, पच्चीस अरे छत्तीस। इसी तरह से इसमें वैल्यू रखनी है, अक्ष टू की वैल्यू बी और सी, तो बी की वैल्यू तीन और चार, सी के पॉइंट माइनस दो और तीन, तो बी वाले को एक्स वन वाई वन, सी वाले को एक्स टू वाई टू। तो इसमें एक्स टू की वैल्यू माइनस दो, माइनस एक्स वन की वैल्यू तीन, प्लस वाई टू की वैल्यू तीन, माइनस y1 की वैल्यू चार। इसको सॉल्व करेंगे, समान चिन्ह है, संख्या जुड़ती है, तीन और दो पांच, तीन में से चार लेस करेंगे तो माइनस एक, पांच का स्क्वायर पच्चीस, एक का स्क्वायर एक, पच्चीस एक छब्बीस, माइनस का स्क्वायर माइनस को भी दो बार गुणा करेंगे तो प्लस बन जाता है, माइनस पांच इंटू माइनस पांच। तो पहले आप चिन्ह को गुणा करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस, पांच को पांच से पच्चीस, इस तरह से। सी डी, सी की वैल्यू माइनस दो तीन, डी की वैल्यू माइनस तीन और दो, तो एक्स टू की वैल्यू माइनस तीन, एक्स वन की वैल्यू माइनस दो, माइनस ये माइनस प्लस, वाई टू की वैल्यू माइनस दो, वाई वन माइनस तीन हो गया, तीन में से दो तो माइनस एक। सेम चिन्ह और संख्या जुड़ती है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, एक का स्क्वायर एक, पांच का स्क्वायर पच्चीस, रूट छब्बीस। ए बी, ए के कोऑर्डिनेट दो और माइनस एक, बी के कोऑर्डिनेट माइनस तीन और माइनस दो। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, एक्स टू माइनस तीन, एक्स वन दो, वाई टू माइनस दो, वाई वन माइनस ये माइनस प्लस। सोल्व करेंगे, तीन और दो पांच, माइनस दो में एक माइनस एक, पांच का स्क्वायर पच्चीस और माइनस एक का स्क्वायर एक, रूट
भुजा सम, सभी भुजा समान होती है। कल आपको परिभाषा बताई थी, वर्ग भी होता है और समचतुर्भुज। अब दोनों की अलग अलग पहचान विकीर्ण से होती है, तो अपन इनकी विकीर्ण ज्ञात करते हैं। तो विकीर्ण के लिए अक्ष टू माइनस दो, अक्ष वन दो, वाई टू तीन, वाई वन माइनस और ये माइनस प्लस, दो और दो चार, तीन और एक चार, चार का स्क्वायर सोलह, चार का स्क्वायर सोलह, दो इंटू सोलह, तो सोलह का रूट चार, चार रूट दो। पी डी, पी के पॉइंट थे तीन और चार, डी तो डी के पॉइंट माइनस तीन और माइनस दो, पहले लिख लेते हैं। अब पहले वाले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2। x2 की वैल्यू माइनस तीन, x1 की वैल्यू तीन, y2 की वैल्यू माइनस दो, y1 की वैल्यू चार। सेम चिन्ह है, समान चिन्ह संख्या जुड़ती है और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। छठा स्क्वायर छत्तीस, फिर छठा स्क्वायर छत्तीस, माइनस को दो बार गुणा करने पर प्लस, तो दो इंटू छत्तीस, तो छत्तीस का रूट छह, दो का नहीं होता, तो छह रूट दो। विकीर्ण बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? सम चतुर्भुज। अतः एबी बराबर बीसी बराबर एसी बराबर एडी, सभी भुजा समान है लेकिन वह विकीर्ण एसी नॉट इज इक्वल टू विकीर्ण बीटी बराबर नहीं है। अतः एबीसीडी एक वर्ग नहीं, समचतुर्भुज है। धन्यवाद। आज आप लोग इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन है उनको सोल्व करना और पहचान करनी है कि ये किस टाइप के त्रिभुज या चतुर्भुज हैं।